नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, आपकी बिजी शेड्यूल में से लूँगी सिर्फ 2 मिनट। तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड बेल विसर्स के साथ शेयर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहें मेरे साथ ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमने बचपन से सुना है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अर्थात बात करेंगे आज हम यहाँ रसोई के खाने की। तो जो माताएं जब माताएं खाना बनाती हैं तो मात्र कर ले एक छोटा सा काम, इससे घर में आएगी खुशहाली। माताएं खाना बनाते समय सिर्फ इतना भर कर लें कि आप रसोई में लगा कर रखें कोई भी रिकॉर्डेड साउंड, जैसे कि गायत्री मंत्र या ओम चैंटिंग। इससे खाने में आएगी सकारात्मकता और जब भी परिवार के लोग इस खाने को खाएंगे तो रहेंगे स्वस्थ और निरोगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना।